डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में अल्कोहल, फिनॉल और इथर के बारे में पढ़ रहे थे, और अल्कोहल, फिनॉल और इथर में तीनों के बारे में हम लोगों ने आईयूपीएसी नाम को सबसे पहले डिस्कस किया था। फिर अल्कोहल के बारे में पढ़ा स्पेशल, अल्कोहल को यह भी जाना कि एथिल अल्कोहल हम लोग बोलते हैं। फिर फिनॉल के बारे में पढ़ा, फिनॉल का अणुसूत्र क्या होता है, फिनॉल का गुण और फिनॉल के उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर बाद में सबके लिए हम लोगों ने अभिक्रिया भी पढ़ा। तो ऐसा करते करते अल्कोहल के बारे में भी, फिनॉल के बारे में भी और इथर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब हम लोग पूरा वो चैप्टर खत्म होने के बाद एक कार्बनिक रसायन का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका दोस्तों नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, देख पा रहे होंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। अब क्या होता है एल्डिहाइड और क्या होता है कीटोन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कि हर बार हम लोग हर चैप्टर में अलग अलग उसका आईयूपीएसी नाम मिलता है, यहां पे भी हम लोगों को आईयूपीएसी नाम मिलेगा। और दूसरी बात कि उसका अभिक्रिया और उसके अणुसूत्र और उसका गुण और उपयोग की भी हम लोग चर्चा यहां पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक देते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड यहां पे टॉपिक लिया जाए और उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे एल्डिहाइड के नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए फर्स्ट एरो, एल्डिहाइड में कार्बोनिल मूलक कार्बन और ऐसे, इसको बोलते हैं कार्बोनिल मूलक, ब्रैकेट में लिख लीजिए कार्बोनिल मूलक, ब्रैकेट में सी दुगो बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। के कार्बन का शेष दो संयोजकता में से, का शेष दो संयोजकता में से एक हाइड्रोजन तथा दूसरा एल्किल मूलक जुड़ी रहती है, चलिए अब देखते हैं कि एल्डिहाइड किसको कहते हैं, फिर उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कीटोन के बारे में। तो सबसे पहला एल्डिहाइड आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कार्बोनिल मूलक समझ में आएगा। तो कार्बोनिल मूलक क्या होता है वो समझिए, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड, चार बॉन्ड, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड। तो अगर हम एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड से साथ जुड़ेगा,
तो ऐसा करने पर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का तो काम हो गया, लेकिन कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है तो दो ऑक्सीजन के साथ बना लिया तो दो बॉन्ड अभी उसके साथ बच रहा है, कार्बन का दो बॉन्ड ऑन होना चाहिए, तो यहां कार्बन का दो और स्थान अभी खाली रहता है। इसीलिए कहा गया कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल मूलक के, इसी को कहते हैं हम लोग कार्बोनिल मूलक, ठीक है, कार्बोनिल मूलक के शेष दो जो कार्बन होते हैं, शेष दो कार्बन का मतलब कि दो कार्बन, शेष का मतलब बचा हुआ, क्योंकि दो कार्बन दो बॉन्ड तो भाग ले लिया कार्बन का, कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं तो दो तो भाग ले लिया ऑक्सीजन के साथ, तो दो जो बाकी शेष बच गया इसी को बोलते हैं शेष, ठीक है। तो कार्बोनिल मूलक में जो कार्बन के दो गो बॉन्ड अभी शेष बच जा रहे हैं, इन्हीं दो संयोजकता, इसी को हम लोग संयोजकता बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी या कार्बन का संयोजकता चार होता है, चार में से दो संयोजकता अभी बच रहा है, और इस दो संयोजकता में से किसी एक में, किसी एक में हाइड्रोजन की फिक्स गारंटी होती है और बाकी इधर एल्किल मूलक जोड़ता है, एल्किल समूह एल्किल मूलक जुड़ जाते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, आप अगर एल्डिहाइड और कीटोन को अगर पहचानने का समझ गए कि किसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड और किसको बोलेंगे कीटोन, आपका काम समझिए कि चैप्टर में 25% हो गया। सबसे पहले लोगों को तो समझ ही में नहीं आता कि एल्डिहाइड कहते किसको है, कीटोन किसको कहते हैं, तो आपको आज से समझना चाहिए कि एल्डिहाइड उसी को कहते हैं जिसमें कार्बोनिल मूलक से जो दो शेष संयोजकता बचता है, एक से हाइड्रोजन जुड़े और दूसरा से एल्किल मूलक जुड़े, दूसरा से क्या जुड़े, एल्किल मूलक, तब हम इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। दोस्तों कीटोन का भी जुड़ा ही हुआ है, इससे भी इसी से जुड़ा हुआ है कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल मूलक होता है, कार्बोनिल मूलक, इसमें से भी दो संयोजकता शेष बच जाता है कार्बन का, और इस दो संयोजकता में दोनों से एल्किल मूलक जुड़ता है, यानी कि इसमें जो दो संयोजकता बच रहा है कार्बन का, इससे भी एल्किल समूह जुड़ते हैं, एल्किल मूलक, और यहां पे भी एल्किल मूलक। तो आपको पता चल गया, जब हम इसको ऐसा सिचुएशन आता है हम इसको बोल देते हैं कीटोन। बात को समझिए कि किसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे और किसको कीटोन बोलेंगे। तो दोस्तों कार्बोनिल मूलक के जो दो शेष संयोजकता बच रहे हैं, एक किसी पे हाइड्रोजन, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हमेशा ऊपर ही हाइड्रोजन जुटेगा, ऐसा नहीं है, आप नीचे भी हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, मतलब कि किसी एक पे हाइड्रोजन होगा तो दूसरा पर एल्किल समूह होगा, अगर नीचे हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन फिक्स होना चाहिए, एक बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से जुटा रहे और दूसरा एल्किल समूह से जुड़ा रहे तब हम उसको एल्डिहाइड कहेंगे। लेकिन दोस्तों दोनों से ही अगर एल्किल मूलक जुड़े, अब एल्किल मूलक क्या है, तो कार्बन का चैन, कार्बन का चैन, अगर कार्बन का चैन इससे जुड़ा हुआ है ढेर सारा और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों में कार्बन का चैन जुटा हो, ध्यान रहे दोनों में कार्बन का चैन जुटा हो, हम उसको कीटोन बोल देंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक कार्बन हो चाहे यहां तीन कार्बन हो, चाहे यहां पांच कार्बन जुटा हो, चाहे यहां आठ कार्बन जुटा हो, अगर दोनों कुछ ना कुछ कार्बन है कीटोन, और दोनों में से एक जगह पे हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, तब हम उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। जरा आप बात को समझिए, फिर हम लोग ऐसे कीटोन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, यहां पे कार्बोनिल मूलक है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे CH3 है, ए भी क्या कहलाएगा, ए भी एल्डिहाइड कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया सर ऐसा रहा
ऊपर सी एच थ्री सॉरी सी एच टू सी एच थ्री यहां पे हाइड्रोजन, ये भी आपका एल्डिहाइड में आया, क्योंकि एल्डिहाइड में देख लो कि जो कार्बोनिल मूलक ये कहलाता है, ये आपका कार्बोनिल मूलक है, दिखाई देते हैं आपको, इसको हम लोग बोलेंगे क्या कार्बोनिल मूलक या कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल मूलक। इससे तो जो दो गो बॉन्ड निकला हुआ है, किसी एक से अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसी दूसरे से एल्किल मूलक जुटेगा, तब उसको हम लोग इसको एल्डिहाइड की कैटेगरी में, तो एल्डिहाइड का ना एग्जांपल कर रहे हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल, ऐसा C3H7 देख लीजिए, यहां C3H7 है, तो C3H7 का मतलब क्या कि कार्बन तीन गो, यानी कि कार्बन का यहाँ पे चैन बन रहा होगा, तो जब कार्बन का चैन बन रहा होगा तो ए आएगा एल्डिहाइड में, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल समूह। नेक्स्ट चौथा, चौथा देख पा रहे होंगे, कार्बोनिल मूलक हो गया, एक तरफ को ऊपर हो गया C5H11 और एक तरफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे हम लोगों को क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बन का चेन बन रहा है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग एल्डिहाइड की कैटेगरी में है, आप तीन चार पांच एग्जांपल कर लीजिए। ये एल्डिहाइड में आप याद रखिएगा कि कार्बोनिल मूलक में जो कार्बन होता है ना, उससे उसके साथ जो दो शेष संयोजकता बचते हैं उसमें से एक जो है हाइड्रोजन का स्थान फिक्स है, और दूसरा, दूसरा क्या है, तो दूसरा एक एल्किल समूह हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कीटोन का कर लेते हैं, हालांकि कीटोन में हम लोग सीखे कि दोनों पे ही हम लोगों को एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, लेकिन लिखा जाए, लिखेंगे कीटोन में, कीटोन में कार्बोनिल मूलक, कीटोन में कार्बोनिल मूलक के कार्बन, के कार्बन की अन्य दोनों संयोजकताएं, की अन्य दोनों संयोजकताएं एल्किल मूलक द्वारा जुड़े रहते हैं, एल्किल मूलक द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कि कीटोन किसको कहते हैं, तो कीटोन में अभी हम लोग सीखे कि कार्बोनिल मूलक के साथ, जैसे मान लीजिए कि कार्बोनिल मूलक क्या होता है, तो ये हुआ कार्बोनिल मूलक। अब इस कार्बोनिल मूलक में कार्बन का दो गो स्थान जो खाली है, शेष है, ये दोनों संयोजकता खाली है, इसमें अब की क्या भरने वाला है, तो इसमें दोनों से ही एल्किल समूह जुड़ेगा। तो जब दोनों से एल्किल समूह जुड़ेगा तब हम इसका नाम दे देंगे कीटोन, तब इसका नाम क्या दे देंगे, कीटोन। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, इसका लिख लेंगे एग्जाम्पल कीटोन का, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3 और एक तरफ C2H5। देख पा रहे होंगे दोनों तरफ हम लोगों को एल्किल समूह, यानी कि दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, तब ये कीटोन कहलाएगा। दूसरा ये हुआ कार्बोनिल मूलक, यहाँ पे C3H7 C5H11 यहां एक कार्बन से, यानी कि दोनों संयोजकता जो है इसका, दोनों संयोजकता में एल्किल मूलक जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि दोनों में, और एल्डिहाइड किसको कहते हैं, एक में हाइड्रोजन जुड़ा रहे और दूसरे में
कार्बन का चेन जुड़ा है, इसमें दोनों पे ही कार्बन का चेन जुड़ा हो रहना चाहिए, C4H9 C2H5। चौथा, C3H7 C3H7। दोनों पे सेम हो या अलग अलग हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि कीटोन उसे कहते हैं जिसमें कार्बोनिल मूलक के शेष दो संयोजकताओं में दोनों संयोजकता एल्किल मूलक द्वारा जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़ा रहे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग बोल देते हैं एल्किल सॉरी कीटोन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के तौर पर लिखा जाए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड तथा कीटोन की पहचान करें, एल्डिहाइड तथा कीटोन की पहचान करें। चलिए, अब की बार क्या दिया जा रहा है, आपको नीचे का क्वेश्चन दिया जा रहा है और नीचे का दिया गया क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन में पहचान करना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड O। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड O। इसमें पहचान करना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चौथा क्वेश्चन C2H5 CH डबल बॉन्ड O। पांचवा क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O C3H7 C4H9। छठा क्वेश्चन, देख पा रहे यहां पे सी डबल बॉन्ड है और C3H7 और नीचे है C4H9। ठीक है, तो ये पांच ही क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये पांच क्वेश्चन में कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, जरा इसको पहचानना है। अब पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन का हम पहचान तभी करेंगे जब कार्बोनिल बनाएंगे, तो सबसे पहले पहचान करने के लिए कार्बोनिल समूह बना लीजिए, तो यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन दो को बच रहा है, इसका मतलब है कि दोनों संयोजकता पे हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, तो अब इसको भाई किस कैटेगरी में रखा जाए, यहां पे भी हाइड्रोजन यहां पे भी हाइड्रोजन। एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक वो हाइड्रोजन और दूसरा तरफ कार्बन का संख्या, और कीटोन में क्या होता है कि दोनों पे ही हम लोगों को होना चाहिए कार्बन, इसीलिए दोस्तों ये तो ना तो एल्डिहाइड है और ना ही कीटोन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह न तो एल्डिहाइड और न ही कीटोन है, यानी कि यह न तो एल्डिहाइड है और न ही कीटोन है। जरा दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं, ये चेक हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखो भाई, एल्डिहाइड और कीटोन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कार्बोनिल समूह,
अगर कार्बोनिल समूह, क्योंकि कार्बोनिल समूह ही हम लोगों को डिसाइड करता है कि आखिर एक जगह पे क्या जुड़ रहा है, तो दूसरा वाला का स्ट्रक्चर बना दिया जाए कैसे, पहले कार्बोनिल समूह, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, और इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरे तरफ CH3 है, तो दूसरा का किस कैटेगरी में शामिल हुआ, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे और इसका आंसर कर देंगे कीटोन। ये क्या है? कीटोन है। जरा तीसरे एग्जाम्पल करते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बोनिल मूलक, यानी कि कार्बोनिल मूलक हो गया, और इसी कार्बोनिल मूलक से दो CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि हम लोग कार्बोनिल मूलक में ऐसे लिखते हैं, एक पे भी CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे से भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? सर ये कीटोन नहीं हुआ, गलती हो गया यहां पे, एक हाइड्रोजन रहता है तो एल्डिहाइड ना, ये एल्डिहाइड कहलाएगा, कीटोन किसको कहते हैं, तो दोनों तरफ कार्बन का चैन, तो ये जो आंसर हुआ हम लोगों का, ये कीटोन हो गया, ठीक है, ये क्या है? कीटोन है, तो कि देख पा रहे होंगे दोनों तरफ क्या जुड़ रहा है, दोनों तरफ कार्बन का चैन है, यानी कि दोनों तरफ एल्किल मूलक है, इसलिए इसका आंसर करेंगे कीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, तो इस तरीके से दिया हुआ है, आप कार्बोनिल मूलक का यूज कीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहां पे दो खाली स्थान होना चाहिए, तो इस कार्बन जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया तो एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास है कितना, एक हाइड्रोजन, तो एक तरफ हाइड्रोजन ऊपर चाहे नीचे हम जोड़ सकते हैं, कहीं एक जगह जोड़ दीजिए, और बाकी का जोड़ देना है कितना, C2H5। तो ऐसा सिचुएशन किस में होता है, एल्डिहाइड में कि कीटोन में, तो आपको पता चल रहा होगा एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल मूलक से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और दूसरा क्या जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा हुआ रहता है, एल्किल समूह, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग बोल देंगे एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो 5 को आपको अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है भाई, तो दोनों तरफ कार्बोनिल मूलक के दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल मूलक के दोनों तरफ जुड़ा हुआ है हम लोगों को क्या, एल्किल समूह। जब दोनों तरफ अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोल देंगे भाई, कि ये कीटोन है, ये कीटोन हो गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए अब कीटोन, अच्छा और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपको पता चल गया कि हमको पहचानना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए देते हैं, 6ठा और 7वां क्वेश्चन, आप 6ठा को और 7वां को पहचानिएगा कि हम लोग इसका कैसे करते हैं, इसका पहचान कैसे करना है, बताना है कि पहचान करके कि क्या है, तो CH3 CHO, ठीक है, CHO, CH2 CH3 CH2 CH3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पहचानना है। 7वां क्वेश्चन, CH3 CH CH3, देखिए कहां कहां कैसे है, यहां CH3 CH CH3, और फिर बात करें तो यहां से लगा दिए कार्बन और एक तरफ C2H5 और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से और फिर आंसर बताइएगा कि दोनों में से कौन सा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है, लगाइएगा कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है।
चलिए, जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ आईयूपीएसी नाम जरूर हम लोग पढ़ते हैं। तो अब चलिए हम लोग शुरू होते हैं आईयूपीएसी नाम पढ़ना। किसका आईयूपीएसी नाम भाई? तो एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम, ये हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे। एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम। अब जैसे कि जानते हैं सभी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अलग अलग कुछ रूल नियम होते हैं, उसी तरीके से चलिए सब चीज को पहले जितना भी रूल होता है सबको हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम लोग एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सब रूल को आपको एक ही बार बता देंगे। सबसे पहले आज हम लोग लिख लेंगे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम का लिखने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रूल नियम है। तो फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बोनिल मूलक के कार्बन को लेकर पीसी चुना जाता है, पीसी चुना जाता है। दूसरा एरो, सेकेंड एरो, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू किया जाता है, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू किया जाता है, नेक्स्ट एरो, इसमें सफिक्स के रूप में अल जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो लिखेंगे, यदि सब्टिट्यूएंट के रूप में CH3, नीचे से लिखिएगा CH3, इसका नाम होता है, एरो देके लिखिएगा मेथिल, इसका नाम होता है मेथिल। C2H5, इसका नाम होता है एथिल। OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। CH3 का नाम होता है मेथिल, C2H5 का एथिल, हाइड्रोक्सिल का OH। उसी तरीका से बहुत सारा हम लोग सीखे हैं ना कि Cl का नाम होता है क्लोरो, Br का ब्रोमो, ऐसे ही सबका नाम लिखेंगे दोस्तों। कब? जब सब्टिट्यूएंट के रूप में CH3 तो रहेगा तो मेथिल लिखना है, C2H5 तो एथिल, हालांकि ये सब हम लोग पहले ही सीखे हैं, OH रहेगा तो हाइड्रोक्सिल, Cl रहेगा तो क्लोर, ठीक है। ये सब सारा चीज हम लोग पहले ही सीखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम का आज रूल लिख चुके हैं। अब अगले क्लास में इसके रूल्स को अप्लाई करेंगे, तभी आपको सभी बात को हम समझा देंगे कि आज हम लोग क्या क्या लिखे हैं और किसको पीसी चुनना होगा, कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो फिर ऑल क्लियर हो जाएंगे। तो
तो हम लोग इसका डिस्कस अगले दिन करेंगे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी से संबंधित। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।